उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही लोक आस्था के महापर्व छठ का समापन हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अर्घ्य देकर भगवान भास्कर की आराधना की। सीएम आवास में छठ पूजा का आयोजन किया गया था। इस पूजा में परिवार के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर छठ का आयोजन नहीं होने से सन्नाटा पसरा रहा। पटना के गंगा किनारे के घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। सुबह से ही गंगा के घाटों के किनारे श्रद्धालु भगवान सूर्य के उदय होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही श्रद्धालुओं को भगवान भास्कर नजर आए, वैसे ही अर्घ्य देने का सिलसिला चालू हो गया। व्रतियों और श्रद्धालुओं ने जल और दूध से भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। वहीं घाटों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। गंगा किनारे का घाट लोगों से पटा पड़ा था। व्रतियों के साथ पूरा परिवार मौजूद था। वहीं नई बहुओं ने परंपरागत लाल साड़ी पहनी हुई और पूजा करती नजर आई। व्रतिया भगवान भास्कर और छठी मैया को खुश करने के लिए लोकगीत भी गाती रही। साथ ही घाट पर गूंज रही छठी मैया के लोकगीतों से पूरा माहौल भक्ति में हो गया। गंगा घाट पर किसी भी हादसे को टालने के लिए नदी किनारे बांस बल्लियां लगाई गई थी। चार दिवसीय अनुष्ठान के समापन के बाद श्रद्धालु घाटों से घर लौट गए। पटना में 82 गंगा घाटों और 41 तालाबों में छठ पूजा का आयोजन किया गया। अब छठ पूजा की छटा भारत के साथ साथ विदेशों में भी नजर आई। जहाँ जहाँ प्रवासी के तौर पर बिहार से लोग गए हैं, वहाँ भी धूमधाम से छठ पूजा मनाई गई। छठ पूजा ने बिहार की संस्कृति की अनोखी पहचान कायम की है। छठ पूजा प्रकृति से मनुष्य के जुड़ाव का उत्सव है, इसलिए हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, तभी पर्यावरण से जुड़े समस्याओं से मनुष्य को निजात मिलेगी। पंजाब केसरी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।